हेलो स्टूडेंट, लेट सी दिस क्वेश्चन। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी कॉस एक्स अपॉन रूट एन का होल पावर एन दे रखा इज। बच्चों इस लिमिट की वैल्यू बतानी है किसके बराबर होगी। तो बच्चों यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एन को जो है ना रिप्लेस कर देते हैं अपन वन बाय टी से। यहाँ पे अपना है, क्या कहते हैं, ये चेंज हो जाएगा। अपन टी 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 स्क्वायर से चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो टी स्क्वायर से चेंज कर देंगे तो अगर एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो टी स्क्वायर टी टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, अब जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से देखें तो अपना ये आ जाएगा लिमिट लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो, ये आ जाएगा कॉस टी इंटू एक्स और इसका पावर आ जाएगा वन अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखें तो यहाँ पे अगर t इक्वल टू जीरो रखे तो cos जीरो वन के बराबर होता है, वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो ये वन अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म आ रहा है, तो अपन इस लिमिट को लिख सकते हैं ई रेज पावर लिमिट t टेंडिंग टू जीरो और ऊपर में आ जाए, ये हो जाएगा वन अपॉन टी स्क्वायर और ये हो जाएगा cos t x और माइनस का वन। अब अपन को बच्चों एक फार्मूला बताया, cos x माइनस वन जो है ना ये बराबर होता है माइनस का टू टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू के बराबर। तो यहाँ पे जो है ना इसको अपन ये लिख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ई रेज पावर लिमिट x टी टेंडिंग टू जीरो वन अपॉन टी स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का टू इंटू साइन स्क्वायर टी एक्स बाय, ठीक है ना। अब जो है ना अपन क्या करते हैं, यहाँ पे जो है ना इसको इस फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है ना। तो अपन को एक चीज़ और पता है, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो साइन x बाय x जो है ना ये वन के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखें तो ये भी जीरो पे अप्रोच कर रहा है और ये भी जीरो पे अप्रोच कर रहा है, तो इसको अपन लिख सकते हैं ई रेज पावर माइनस टू तो बाहर ही रहेगा। अब पहले लिमिट लिख सकते हैं लिमिट लिमिट ई रेज पावर लिमिट और टी टेंडिंग टू जीरो और यहाँ पे अपन माइनस का टू तो बाहर रहेगा और यहाँ पे टी स्क्वायर भी अपन बाहर रखते हैं और यहाँ पे अपन साइन टी एक्स बाय टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, अगर अपन ने इसको डिवाइड किया है तो इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इस लिमिट की वैल्यू अपनी वन के बराबर आ जाएगी और यहाँ से ये टू कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखें तो ये बच रहा है ई रेज पावर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन टू के बराबर। इस लिमिट की वैल्यू देखें, इस ये तो वन को अपना वन के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये साइन जीरो अपॉन जीरो लिखा हुआ है, तो ये अपना लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है, वन के बराबर होती है। तो रेस्ट जो बचेगा वो एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन टू बचेगा, तो ई रेज पावर माइनस एक्स स्क्वायर टू। इस लिमिट की वैल्यू जो है ना अपनी ई रेज पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू। बच्चों ऑप्शन सेकेंड में ही बने तो सेकेंड ऑप्शन अपना करेक्ट आ रहा है।